आपके इलाके में मामला सुलझाना भी है। मुकेश शर्मा जिनके बारे में भी मैं कह रहा हूँ, शर्मा ने अपने गांव के दम पे पूरे विधानसभा में मुझे टाइम कराने का काम किया था। अनिल यादव जी, कुशकौर घाट के अर्जुन यादव जी, राम नरेश गौतम जी, लालजी यादव जी, रिंकू सिंह, विश्वनाथ पांडे जी, रमेश पांडे जी, ज्ञानेश्वरी पांडे जो बसपा के वरिष्ठ नेता हैं, अनिल सिंह जी प्रधान, राम प्रकाश यादव जी, मनीष चौधरी तार हमारे सर पे हाथ रखे रहते हैं, इतने समय इस्तेमाल नहीं किए होंगे जितना हमें विधायक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद दी, मुरली पाल खदरा, संदीप पितुड़ा, राम मजोर जी न्याय, राका चौधरी जो हमारे साथी हैं, राका चौधरी के बारे में मैं बहुत पहले से बताया था, राम जी शर्मनी बहुत समय ले जाएगा और हमारे साथ तमाम जगह से चल के आए साथी। यहाँ पर उपस्थित नौजवान घंटों से लगातार जमीन पर बैठ के और खड़े होकर के आप जिस तरीके से अपने खून और पसीनों के पसीने, सम्मानित नौजवानों, इस इलाके के लोगों, अभी हमारे छोटे भाई बोल रहे थे बिना जाने पहचाने उसी तरीके से बिना पूछे मैंने एक पुल नहीं पूरे विधानसभा के सारे पुलों को एक साथ बनवाने का काम किया था। यही रोड है आपका, आप बता, पेट में फोड़ा निकल गया, आप बता दीजिए बिना जाने बिना पूछे कहे मैंने इस रोड को आपके बनवाया कि नहीं बनवाया। आज हजारों हजार गांव, ये जगन्नाथपुर पूरनपुर, ये माइनॉरिटी, बता दीजिए आपके गांव का विशेष ख्याल मैंने किया कि नहीं किया। इसलिए कभी हिंदू मुसलमान में मैंने फर्क देखा हो, अगर किसी जात बिरादरी में लगता था अगला जन्म मेरा कुर्मी समाज में हुआ होगा, क्योंकि आज इतने बड़े पैमाने पे जिस तरीके से हमारा सम्मान आज पूरे विधानसभा में हर बिरादरी के साथ साथ कुर्मी बिरादरी का लोगों ने है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, काम का मैंने जाल बिछा दिया, यही माताएं बहने हमारी तमाम बैठी है, माताओं बहनों आप बता दो कौन सा विधायक कौन सा मंत्री आपको कभी आपसे आपके सामने हाथ जोड़ा हो, कभी आपके सेवा में उतरा हो, आपको किस नजर से देखता था बता दीजिए, भेड़ और बकरियों की नजर से गरीब और माताओं को देखता था, नहीं देखता देखते थे लोग। लेकिन राजकिशोर सिंह जब से विधायक हुए, संदेश भगवान ने दिए होंगे, हो सकता है वह संदेश राजकिशोर सिंह गरीबों नौजवानों आज बहुत बड़ा कुचक्र, कभी हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि मंत्री जी के खिलाफ बहुत बड़ा कुचक्र चला जा रहा है। नौजवानों इस इलाके के लोगों, जब राजकिशोर सिंह मंत्री होते हैं तो आप बता दीजिए पूरा पूर्वांचल में दूसरी हवा चलने लगती है कि नहीं चलने लगती है, प्रदेश के जिस कोने में राजकिशोर सिंह तमाम तरीके से लोगों को डांटता है आप बता दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश का 3 बार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं किसी को डांटता हूँ बताते हाथ उठा करके, लोग मुझे डांटते हैं, चाहे वो सुशीला हो, चाहे कौशल्या हो, चाहे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग मुझे डांटती होंगी, मैं किसी को डांटने का काम नहीं करता हूँ। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, यही नौजवान तबका है, कान पे हाथ रखता है और कहता है मंत्री जी अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो ठीक नहीं खाएगा। आप बता दीजिए इस प्रदेश में किसकी माँ दूध पिलाई है और राजकिशोर सिंह के कंधे पे हाथ रख के ये कह दे कि हमारा काम करेंगे तो नहीं ठीक आएगा। इसलिए साथियों कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के नौजवान ये जानते हैं मंत्री जी इस तरीके ये जानते हैं कि मंत्री जी जैसे हम अपनी माँ से के कोख से पैदा हुए हैं, वैसे मंत्री जी भी मेरी माँ के कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए मेरे कंधे पे हाथ रखने का काम करता है। लेकिन नौजवानों विश्वास है कि कितना चाहता हूँ, आज सबसे संकट का समय है आप लोगों का, आप ये जानते होंगे, लेकिन संकट आप पे है, आज पूरे प्रदेश की नजर हररिया पे है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, तमाम मीडिया के लोग हररिया में भी घूम रहे हैं। लेकिन जिस दिन, क्योंकि आप जानते हैं जिस दिन आपका विधायक उत्तर प्रदेश की सदन में पहुंचेगा उस दिन आपकी मोचे से टाइट हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लोग रोकना चाहना चाहते हैं, ये की जनता किसका राज तिलक करने जा रही है। आप क्षेत्र में घूमते आए होंगे, आपको खुद का तजुर्बा हो गया होगा, समीक्षक है, मीडिया में अच्छे पत्रकार हैं, तो आपको खुद पता चल गया आप किसका समीक्षक हो, किसको टीका लगाने जा रही है। हरिया की जनता लगातार राजकिशोर सिंह को टीका लगाती रही है, एक बार क्यों, चाहे वो भूल कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, या तो मैं खुद नहीं निकल पाया क्षेत्र में, इस बार बड़े हम जाते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत हरैया की होगी। राजकिशोर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं या हरैया की जनता लड़ रही है। ये चुनाव हरैया की जनता तो लड़ी रही है राजकिशोर सिंह के लिए, हरैया की जनता पूरी तरीके से सड़क पे है और देख रहे हैं ये आमादा है कितनी जल्दी मैं मकसद को भर डालूं और राजकिशोर सिंह। अच्छा, वर्तमान विधायक आपको बार बार विदेशी आक्रांता कह के बुला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जनता, देखिए गालियां जनता में लोग खा रहे हैं, अभी तक उन्होंने जनता को गाली दिया, अब जनता को अब तक गाली दिया, गाली चुनाव आ गया, अब जनता उनको खदेड़ रही है, वो भाग रहे हैं चारों तरफ,
कहीं उनको जगह नहीं मिल रहा है, वो फालतू अफवाहें केवल खुराक की पैसा बांट करके कर दो, ये कर लो, मतलब तमाम तरीके की बातें करें, लेकिन जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है, उनकी तो जमाने चल रही है। अच्छा, 5 साल बनाम 15 साल का मुद्दा बन रहा है और स्थानीय बनाम बाहरी का भी मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा तो खत्म हो गया है। हरिया का विधायक या हरिया का कोई व्यक्ति जाके कप्तान में विधायक है, तो ये तो मुद्दा हरिया ने ही समाप्त कर दिया। तो ये मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा ये है 5 साल और 15 साल। 5 साल में जो काम किया इन्होंने, केवल गाली गुस्सा अफवाह झगड़ा लड़ाई, लोगों को गुमराह करना, बेइज्जत करना, बाकी इनका कोई काम, एक काम बता दीजिए जो इन्होंने किया, जो काम मेरे द्वारा किए गए थे वही पत्थर लगा लिया, बस बाकी कोई काम नहीं। क्या बसपा आ रही है सरकार में? बसपा फुल फ्लेज गवर्नमेंट बना रही है।